फिर हम अपना भुग देंगे भाई 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 यहाँ पकड़ ले क्या नाम था आ गए नोएडा वहाँ हमें पकड़ लिया पकड़ के कहा करेंगे अरे चलान काट देंगे या ज्यादा कहा करेंगे अरे बाइक अरे सब कुछ चला रहे कमाड़ तोड़ना कमा रहे डल्ले तोड़ी ना एज यूजल अपनी बाइक इस बार भी गंदी है तो आज मैं जा रहा हूँ संडे राइड पर और लेट हो चुके हैं काफ़ी। आज तक कोई ऐसी राइड हुई हो जहाँ पर हम टाइम पे पहुँचे हो? 7:30 का टाइम था पहुँचने का डेस्टिनेशन पॉइंट पे और 7:30 हमें यहीं पर बच गए। जब भी मैं इसको उठाने जाता हूँ ना ये सोता हुआ मिलता है और फ़ोन इसने आज कर लिया बंद, बोल रहा था बेगम ने फ़ोन बंद करवा दिया। जल्दी चलते हैं गाइस डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँचते हैं फिर आपको दिखाता हूँ आज कौन कौन आ रहा है और कहाँ जा रहे हैं हम राइड पर आगे। अपनी कुछ बाइकें 2 G900 अपने पास, 2 FZ है और MT और एक अपनी RS। चलो आपको ना AR का एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ भाई कैसा है वो भी अपने G900 में। भाई एवरी राइड पे जब भी आते हैं ना इनका एग्जॉस्ट चेंज मिलता है। ये कौन सा वाला लगा रखा है पहले ये बताओ? नहीं नहीं वो तो ठीक है, कितने नंबर वाला लगवा रखा है? 5वां 10वां 11वां? चलो एक बार साउंड सुना दो भाई इसके एक बार। ये नॉर्मल में बैक फायर भी मारती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसकी बैटरी गई। तो गाइस अभी फिलहाल इतने ही राइडर आए हैं, एक राइडर जो आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो बेचारा भी पीछे ही है। अब कितना हुआ है वो तो पता चलेगा जब मिलेंगे उससे। तो हम जा रहे हैं आगे की तरफ, वो कह रहा है कि आप निकलो हम पीछे से आते हैं। तो भैया अपना लाल टैप निकल रहा है यहाँ से एक एक करके। वो मुझे इसमें दो दिक्कत लग रही है बाइक में अपनी, क्या क्या दिक्कत हो रही है। एक तो उसका बैटरी का लग रहा है मुझे क्योंकि अभी ऐसा लगा कि बिल्कुल ही डाउन हो गई है। दूसरा इसका ना कौन सेट जो होता है हैंडल में डलता है उसका लग रहा है मुझे दिक्कत है क्योंकि गाड़ी गड्ढे में जब भी जा रही है प्रॉब्लम कर रही है। तो जाके भैया सबसे पहले ये दो चीज़ दिखानी है। ये जा रही है अपनी G900 विद DB लगा रखा है भाई ने आज तो, क्योंकि 26 जनवरी का टाइम है तो भाई कहीं भी पुलिस वाले मिल जाते हैं पकड़ लेते हैं। आमिर माजिद की जो कि भाई जम्मू से है भाई, अभी 2 दिन से उसकी स्टोरी देख रहा हूँ भाई मैं भाई की क्या हो रहा है कि उसको किसी ने भाई मारा है। अब मारा कितने बंदों ने, 10-12 बंदों ने मिलके मारा है। वो कहीं सिदरा वाली साइड कोई रोड होगी वहाँ पर जम्मू में, वहाँ पर भाई वो राइड करते हैं वहाँ, मतलब मोस्टली राइडर सारे वहीं राइड करते हैं उनके जम्मू साइड के। तो वहाँ पर किसी ने भाई उनको भाई बहुत सही तबीयत से मारा बेचारे को और अब वो भाई बंदा हॉस्पिटलाइज है। नहीं पता लोग चिढ़ते क्यों यार अगर आप थोड़े से ही फेमस हो जाते हो या नाम कमा रहे हो। ठीक है अगर उसने कुछ बोल दिया होता भाई होता ना, दूसरे सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो भाई आप जाके बात करो, बात करोगे सोल्यूशन निकलेगा, पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। आप बात कर देने उससे पहले भाई आप पेल पाल देते हो, किसी का सर फोड़ दिया, टांग तोड़ दी, हाथ काट दी। रेस लग रही है क्या BMW G900 RS200 में? अब सामने जा रहे हैं अपने पाजी, न्यू ज्वाइन हुए हैं अपने ग्रुप में, एज होगी इनकी 40 अबव। जुनू देखो इस एज में भी आप राइड कर रहे हो कि एज होगी अब नहीं हो पाएगा, या हर चीज़ एज के ऊपर ही डिपेंड होती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी चीज़ एज के ऊपर डिपेंड नहीं होती, सब कुछ डिपेंड होता है आपके ऊपर आपको करना क्या है लाइफ में। जैसे पाजी अपने 40+ हो रखे हैं और वो आज के डेट में राइड कर रहे हैं, भले ही माना हमारी तरह नहीं कर रहे, हाइपर राइडिंग नहीं कर रहे, स्मूथ राइडिंग कर रहे, पर राइडिंग कर रहे हैं, R15 राइड कर रहे हैं वो। आज मौसम उतना ठंडा नहीं है जितना हो रहा था, पर थोड़ा बहुत कोहरा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, बट राइड करने में मज़ा आ रहा है, इतना ठंडा नहीं लग रहा है भाई। नहीं तो भाई ठंड में तो भाई लास्ट टाइम मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ये बड़े लेट सी भाई बीट कर पाते। अरे नहीं है पता नहीं बाइक भाग नहीं रही यार, बाइक रेस ही नहीं पकड़ रही, पता नहीं क्या हो जाता है जब भी मैं बैठता हूँ इनके ऊपर। इसके ऊपर बैठ के ना कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है ना वो हमेशा मेरा कम रहा है पता नहीं क्यों। ये तो एक तो गाड़ी ना मतलब भगा के एक्सलेटर छोड़ो ना ऐसे ऐसे मतलब ना शेक होने लग जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं यार। अगर आप 2 लाख रुपये लगा रहे हो और आपको ये मिल रहा है यार गंदी, यार मेरे हिसाब से मज़ा नहीं है इसको। तो फिर वाली बात होगी बिल्कुल प्लेन रोड चाहिए, बिल्कुल प्लेन रोड चाहिए जब जाए कुछ मज़ा आ पाएगा। आगे चलना चलो मेरी बाइक ने पावर
और एक्सलेट कर दिया भाई मैंने। ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है भाई, इस पर जितना ले सकते हो ले लो एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है। ये 120 आ रही है, बताओ क्या फायदा इससे आता, मैं अपडेट भगाता हूँ यार। ब्रेकिंग सब ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, मतलब ना भगना, ये सही नहीं लग रहा मुझे। और ये गाड़ी बार बार जो काँप रही है, वो चीज़ें भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा मुझे। अपने साथ भाई दो जीन एंडर जब भी एक्सलेट करते हैं ना, और मैंने साथ में कर दिया तो मुझे लगता है मेरी बाइक में से आवाज़ आ रही है। तो मज़ा आता काफ़ी ये चीज़ करने में भी। सामने भाई अपने सूरत देवता, तो अपना एक बंदा मिल रहा है भाई पैराडाइज हाईवे पे, तो वहीं जा रहे हैं। थोड़े बहुत राइडर है यहाँ पर, साउंड सुन रहे हो भाई आप, क्या मस्त मस्त आ रही है, क्योंकि मस्त मस्त बाइकें जा रही हैं इसलिए साउंड भी मस्त मस्त आ रही है। निकल रही है अपनी टीम यहाँ से आगे की ओर, इनको यहाँ मज़ा नहीं आया। अभी हमें कहीं जाना था, उसका प्लान और था कहीं और जाने का, कोई हिली एरिया है वहाँ पर जाने का प्लान और था, बट अब कैंसिल हो चुका है क्योंकि एक दो भाई को हमारे जाना है, वो लेट हो रहे हैं। क्या चाहते हो आप समाज से? समाज से चाहते क्या हो आप? ठेके की तरह मुंह मोड़ दोगे इसका। ओए ठेका यार, ठेका हट जाऊंगा यार। ओ खुल गया, खुल गया भाई मंदिर, खुल गया मंदिर, मंदिर खुल रहा है। मैं मंदिर खुल रहा है। अभी क्या था, यहाँ पर बंदे कुछ ना स्टंट परफॉर्म कर रहे थे। गाइस प्लीज मत किया करो यार, रोड चल रही है और आप स्टंट परफॉर्म कर रहे हो ना, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है ना, आपको देख के लोग करते हैं, इसलिए भाई मैं कभी भी अपने ग्रुप में कोई स्टंट कैप्चर नहीं करता। अगर कोई गलती से करता भी है तो मैं साफ मना करता हूँ। ऑन रोड कभी ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। देखो ट्रैफिक चल रहा है, गलती से आपने स्टंट किया, कोई पीछे से आ गया स्पीड में, फिर हिट कर जाए। तो ये निकली अपनी एक G900। तो ये भाई अपनी ट्रंप है, और ये भाई की ना नीचे जो चैम्बर था वो लग गया था, तो जा रखी थी, आज ही आई है, आज बोले तो कल परसों ही आई है। अरे अपनी ये भाग लेती है दूसरे गियर में 60-65। अरे अरे अरे, ये क्या करके माने भाई, नहीं नहीं चिढ़ाता है डैश डैश। दिल्ली NCR में अगर आप रह रहे हो ना भाई, आपको डरना आपका बनता है। भाई उतनी नहीं है, पति इतनी है, हिला देंगे। ओए भाई साहब, हम भी आ गए लो बराबर में। इनके लिए भाई 100 बहुत इजी है, हमारे लिए बहुत टफ है। वहाँ जाना था, वहाँ कैंसिल हो गया, अभी टोल पे जा रहे हैं। टोल पे जाके बैठेंगे थोड़ा सा, हाथ उससे कहेंगे वटा लीन। कोशिश कर रहा था मैं हाथ लगाने की, पर लगा नहीं पाया। मैं सोच रहा हूँ आज एक दो रील बना लूँ, क्योंकि रील बनाने में ना भाई मज़ा आता है, और इंस्टाग्राम भी थोड़ा अपना चल जाता है। अभी मेरे इंस्टाग्राम पे भाई 1300 फॉलोअर्स होने वाले हैं, भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, 1300 हो रहे हैं मेरे। और बहुत जल्दी ना आपको भाई कॉमेडी रील्स भी देखने को मिलेगी मेरे चैनल, मेरे इंस्टाग्राम पर सिस्टर के साथ। निकल रहे हैं अब यहाँ से, ब्रेकफास्ट भाई हमने कर लिया है, और अभी थोड़ी बहस हो गई थी बंदों से। एक्चुअली क्या, नरेश भाई ने ना कुछ बंदे समझा दिए, यहाँ पर सामने बैठे हैं स्टंट कर रहे थे, तो नरेश भाई ने उनसे बोला कि स्टंट मत करो। तो बंदे सामने वाले बोलते हम तो करेंगे, हमारी बाइक है। ठीक है भाई तुम्हारी बाइक है, पर तुम्हारी वजह से हम जैसे जो राइडर हैं उनको दिक्कत आती है राइड करने में, क्योंकि भाई पुलिस वाले इनके चक्करों में हमें ही पकड़ लेते हैं। अभी मैंने ना अभी अभिषेक भाई की RS चलाया, उसका कुछ ज़्यादा तगड़ा पिकअप है मेरी वाली RS से, सीरियसली। और मेरी आज MTB नहीं भग रही, क्यों नहीं भग रही रीज़न बताता हूँ। दो एक तो चैन सेट ख़त्म है, और चैन जो है बहुत लूज़ है भाई। काफ़ी रीज़न रह जाते हैं जब अगर काफ़ी गाड़ी नहीं भग रही होती है तो। ले गए
जा रहे हैं बाइक दिखाने, एक्चुअली क्या है बाइक में आ रही है दिक्कत, तो मुझे सोचा क्यों ना भाई बाइक दिखा लें। मेरी बाइक तो भाई भग नहीं रही और भाई की बाइक भी भाई वोबल कर रही है आगे से काफ़ी ज़्यादा, अब ये नहीं पता किस रीज़न से कर रही है पर कर रही है। कहाँ है भाई ये क्या बढ़ा दी गई दुकान ये? हाँ ये दुकान आगे गए ना। क्यों? यहाँ पे थोड़ा जगह की तंग हो रही थी। आगे कितना आगे? बस ऐसे ही कट पे बोलोगे ना आगे से लेफ्ट मार रहे हैं। हाँ, एक्सिस एटीएम के सामने एक शाम को आते हैं। तो गाइस निकल रहे हैं यहाँ से। अभी क्या हुआ है भैया, मेरी बाइक का तो हो गया काम। मेरी बाइक में क्या था, हॉर्न काम नहीं कर रहा था, चैन शर्ट लूज था तो वो टाइट करवा लिया मैंने। ये देखो हॉर्न काम कर रहा है, चैन शर्ट लूज था वो टाइट हो गया। और थोड़ा बहुत जो हैंडल का इशू था भाई वो नहीं हो पाया अभी, क्योंकि उसके लिए लगेगा टाइम और टाइम अभी अपने पास है नहीं। तो इसकी बाइक भाई हमने यही छोड़ दी क्योंकि उसमें दिक्कत आती है क्लच प्लेट में, तो वो करवा के देन शाम तक वापस आएंगे हम। इसका क्या था भी, हमने क्लच प्लेट डलवाया था एक महीने पहले, जिसमें कि पूरा क्लच सेट डला था, क्लच प्लेट हब उब सब जो भी होता है सेंटर सुंटर सब डलवाया था। उसके बाद भी जो गाड़ी का पिकअप था भाई वो नहीं, जो पिकअप था भाई वो नहीं आ रहा था, तो भाई ने बोला कि छोड़ दो इनसे ही काम करवाया था। तो भाई ने बोला छोड़ दो मैं देख लूँगा उसको। तो ये चीज़ सही है भाई, नहीं तो भाई बंदे होते हैं कि भाई बोल देते हैं कि नहीं मैं नहीं देखूँगा, ये है वो है चार बातें बताए थे, क्योंकि गाड़ी को हो गया भाई एक महीना हमारे पास थी, तो चार बंदे के पास चार बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस बंदे में वाली बात नहीं है, बंदे ने बोला कि भाई ले आओ मैं इसको चेक कर लूँगा। अरे अरे भैया अरे अरे, तो हम जा रहे हैं भाई घर। अब बहुत हो गया लेट, क्योंकि बज रहे हैं 12 और सुबह 7 बजे से निकले हुए हैं राइड के लिए। तो अपनी बाइक का भाई मोटा मोटा खर्चा बताया तो मैं आपको क्या क्या डलने वाला है इसमें, क्या क्या चीज़ की चली गई है। पीछे वाला ब्रेक से चले गए वो डलवाने पड़ेंगे, और बैटरी भी ख़राब हो चुकी है, बैटरी भाई कभी भी डाउन हो जाती है। दो चीज़ तो यही हो गई जो हमें करनी है, और अब इसकी सर्विस का टाइम भी आ रहा है, तो खर्चा वो मतलब मोटा मोटा अगर हम टोटल मिलाए तो 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा अब इसमें आने वाला है। अभी गाड़ी धुलवाई है और फिर गंदी हो जाएगी। तो चलो गाइस अब चलते हैं घर भाई, अब मिलते हैं आपको ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में। तो तब तक बने रहें भाई, वीडियो को एंजॉय करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, और चैनल पर न्यू चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी बेहतरीन सी वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।